हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खीर बनाना कुकर के अंदर। जो कुकर के अंदर खीर बनानी है उसके लिए चावलों को सबसे पहले 4-5 घंटे के लिए भिगो देंगे, क्योंकि चावल अच्छे से पकाने हैं हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोव को मीडियम आंच पर चला देंगे। डाल देंगे हमारा दूध। दूध को उबलने देंगे, एक बार उबलने तक का वेट करेंगे। हमारा दूध जब थोड़ा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 इलायचियाँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। मेरे पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इलायची डाल दी है। इलायची से बहुत ही अच्छा टेस्ट और सुगंध भी अच्छी आती है खीर में से, इसलिए हम इलायची डाल रहे हैं। साथ ही हम डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने खीर की क्वांटिटी के हिसाब से डालें। मैंने क्वांटिटी के हिसाब से चीनी डाल दी है। दूध को थोड़ा सा चला देंगे ताकि चीनी अंदर ना चिपक जाए। अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, उबलने देंगे। अब जब हमारा दूध अच्छे से उबलने लग गया है, हमें दिख रहा है कि दूध में उबाल आने लग गया है, तो जो हमने रात के भिगोए हुए चावल या फिर 4-5 घंटे के भिगोए हुए जो भी चावल हैं वो आप खीर के अंदर ऐड कर दें। चावलों की क्वांटिटी भी आप दूध के हिसाब से ही लें, क्योंकि अगर ज़्यादा चावल हो गए तो दूध जो है वो कम रह जाएगा और बाद में डालने से दूध टेस्ट अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए दूध की क्वांटिटी के हिसाब से चावल डालें। अब हम इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे। अब ये ध्यान रखें कि प्रेशर कुकर में सीटी नहीं आने देनी है। जब सीटी आने वाला होगा कि हमें पता लग जाता है कि सीटी आने वाली है, तभी हम स्टोव को बंद कर देंगे और फिर धीरे धीरे हवा को निकलने देंगे। ऐसे ही हमें 2 बार करना है पूरे अच्छे से चावलों को पकाने के लिए। तो अब हमारी खीर हो गई रेडी। तो चलिए ओपन करते हैं हमारे कुकर को। चावल कितने अच्छे से पक गए हैं। चावल अच्छे से इसलिए पके हैं क्योंकि हमने रात को भिगो दिए थे, इसी वजह से पके हैं। अगर आप चाहें तो इलायची जो दिख रही है उसको हटा सकते हैं, क्योंकि हमें जो सुगंध और टेस्टी चाहिए था, पर अगर रखनी है तो रख भी सकते हैं क्योंकि इलायची हेल्दी होती है, हमें भी अच्छी लगेगी। तो हमारे स्टोव को वापस से चालू करेंगे। स्लो पे कर देंगे, फिर से चढ़ाएंगे खीर को। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो। थोड़ी देर इसको खुला भी पकने देंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो चावल है वो भी अगर थोड़े बहुत कच्चे रहे वो पक जाए। थोड़ी देर इसको खुला।
जैसे हमारा एक उबाल आ जाएगा हम स्टोव को कर देंगे बंद, बल्कि फिर से मिक्स कर देंगे बल्कि को ठंडा होने लगे सर्व करने के लिए। ठंडा होने के लिए कुछ जाली वगैरह इसके ऊपर दे दें, ये जल्दी ठंडी हो जाए। तो हमारी खीर होगी रेडी। इसको हमने सर्व किया है ढोकलिए के चूरमे और ढोकलिए के साथ। ढोकलिया जो है वो ट्रेडिशनल राजस्थानी डिश है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसकी फुल रेसिपी हमने हमारे चैनल पे अपलोड की है। तो अगर आपको खीर की रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।